मैं तीन चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बर्फ के गलने का और भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, गर्मी में रस का, गर्मी में रस का, मिलने में जश का और आज आने में सहारनपुर की बस का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में सहारनपुर का। और कहाँ से आए हैं? नागपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में नागपुर का। भोपाल, भोपाल, अच्छा। शहरों में ताल का, सिर पर काले बाल का और आने वालों में भोपाल का। फिरोजाबाद। नहीं होने में विवाद का, भोजन में गाद का और आने वालों में फिरोजाबाद का। बंबई वाले भी तो बैठे शायद, हाँ बैठे हैं। इंजेक्शन लगने पर उई का, बरसात में काई का और आने वालों में बंबई का। हो गए सारे? दिल्ली, अच्छा। तरियंजों में बिल्ली का है और शेखों में चिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मल्लिकाचार्य श्री आदिनाथ भगवान की, श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधु हो, प्रतिदिन प्रातः है सूरज उगता है, शाम को ढल जाता है, रात हो जाती है, फिर सुबह आती है, फिर शाम आती है, फिर रात आती है, फिर दिन आता है। ऐसा कब से हो रहा है? चतुर्थ काल से। तीन काल में ये कर्म भूमि है और इसमें तीन शुरू के काल में भोग भूमि होती है, जहाँ सूरज और चांद का प्रकाश नहीं, रत्नों का प्रकाश होता है। लेकिन जब कर्म भूमि आने वाली होती है तो रत्नों का प्रकाश गायब होता है, तो सूरज और चांद का प्रकाश प्रकट हो जाता है। भोग भूमि का शरीर अलग होता है, होता तो यही औदारिक है, लेकिन उसकी क्षमता, उसकी शक्ति, उसकी ताकत, रोग रहित शरीर होता है। लेकिन कर्म भूमि का शरीर बीमारी सहित होता है, इसमें अनेक तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं होती हैं। तो ये जो दिन और रात बने हैं, क्या इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है? क्या इसका प्रभाव हमारे मन और दिमाग पर पड़ता है? कभी सोचे ही नहीं। प्रकृति ने जो कुछ जैसा बना हुआ है, यदि उसके अनुसार चलें तो बीमारियां तो होंगी, लेकिन जितनी हो रही हैं उससे आधी हो जाएंगी। कुछ बीमारियां होती हैं जो हम खुद अपने कारण से लेते हैं, और कुछ बीमारियां होती हैं जो कर्मों के उदय में आती हैं। तो हमारी अज्ञानता से, हमारी गलती से
50% 60% बीमारियां आती है हमारी अपनी गलती से, नहीं जानने की वजह से, हमारी अज्ञानता के कारण से। और फिर दवाई खाते हैं तो फिर और आती है, फिर और खाते हैं, शरीर की जो रेजिडेंस पावर है वो कम होती जाती है और बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। तो दिन और रात, दिन बना है कार्य करने के लिए, मेहनत करने के लिए, घर गृहस्थी चलाते हो तो घर गृहस्थी चलाने के लिए प्रातः सुबह सुबह अभिषेक करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, दिन निकल गया, अब भगवान के दर्शन भी होंगे, अब भगवान की जो वाणी है, जिन वाणी, उसको भी पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय भी कर सकते हैं। दिन में कार्य करो, जितने करने करने वाली चीजें हैं वो दिन में, और जितनी नहीं करने वाली चीजें हैं वो रात में। जैसे 12 तप हैं, 12 तप में स्वाध्याय भी है, तो स्वाध्याय दिन में करो, ध्यान भी है रात में करो। दिन में उजाले में बैठकर ध्यान नहीं लगता है, ध्यान कब लगता है, जब अंधेरा हो, जब ये आंखें सब देखना बंद कर देती हैं, तब अंदर की तरफ जाते हैं। जब तक ये आंखें बाहर का संसार देखती हैं, तब तक मन स्थिर नहीं होता है। मन में स्थिरता बनाने के लिए दिन में भगवान के दर्शन करने होते हैं, मन में स्थिरता बनाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, मन में स्थिरता बनाने के लिए स्वाध्याय करते हैं। लेकिन रात हो गई, अब दर्शन भी नहीं हो सकते, अब जिनवाणी भी नहीं पढ़ सकते, अब स्वाध्याय भी नहीं कर सकते, तो क्या करें? जो तुमने दिन में पढ़ा है, आंख बंद करो और बैठ जाओ ध्यान में। रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, दिन में जब काम करते हैं बाहर का तो दिमाग में बहुत जोर पड़ता है। कोई भी काम करो, बिना दिमाग के काम नहीं होता है, है ना? आप चाहे दुकान चलाओ तो उसमें भी दिमाग चाहिए, आप नोट गिनो, अरे बोलो ना, नोट गिनने में दिमाग चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो उसमें भी चाहिए। घर गृहस्थी चलाने में उसमें भी दिमाग चाहिए, बच्चों के पालन पोषण में उसमें भी दिमाग चाहिए, है ना? दुकान चलाना है उसमें भी दिमाग चाहिए, रिश्तेदारी चलानी है उसमें भी दिमाग चाहिए। यानी बिना दिमाग के आपका कोई काम नहीं होता है। और दिमाग एक मशीन है, दिमाग एक मशीन है, यदि वो दिन में काम करती है तो उसे रात्रि में विश्राम भी चाहिए। यदि वो दिन में काम करती है तो रात्रि में विश्राम चाहिए। दिन होता है पुरुषार्थ के लिए और रात्रि होती है विश्राम के लिए, शरीर का विश्राम भी हो और मन का विश्राम भी हो। शरीर से अधिक काम करोगे, शरीर में जल्दी बीमारियां आ जाएंगी, और यदि मन से अधिक काम करोगे, मन में अधिक तनाव डालोगे, मन में अधिक दबाव डालोगे, अधिक दिन और रात काम करते रहोगे, तो डिप्रेशन हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वर्तमान में डिप्रेशन की बीमारी बढ़ रही ना। जिस समय लाइट नहीं थी उस समय एक व्यक्ति को भी डिप्रेशन नहीं होता था। जिस समय लाइट नहीं थी, ये जो बल्ब और ये ट्यूबलाइट और बड़ी बड़ी हेलोजन लाइट, ये जब नहीं थी ना, तब डिप्रेशन नहीं होता था। और जब से लाइटें आई हैं तब से डिप्रेशन भी आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि रात में भी काम करना शुरू कर दिया है, रात्रि विश्राम के लिए होती है। अब आजकल के बच्चे 18-18 घंटे कंपनी में काम करते हैं और बैठे रहते हैं वो लैपटॉप में। एक उजाला तो बाहर का हो गया, फिर दूसरा उजाला उसमें से जो लाइट निकल रही उसका हो गया, और जो अधिक उजाले में रहता है उसको अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, वो सो नहीं पाता है, और जब वो सोएगा नहीं तो आराम कैसे मिलेगा? इतने उजाले में नींद नहीं आएगी, और ज़्यादा उजाला दिमाग में भर जाएगा तो भी नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए रात्रि होती विश्राम के लिए। अब आप आंखें देखो, यदि कभी आपने देखा हो, जब लाइट चली जाती है तो एकदम अंधेरा हो जाता है, ठीक है? आंखें बिल्कुल सामान्य हो गई, आंखों के अंदर जो नसें हैं वो अपनी जो उनकी सामान्य स्थिति है उसमें आ गई,
उन्हें कोई जोर नहीं पड़ रहा, आंखों पर कोई जोर नहीं पड़ रहा है। फिर एकदम अचानक से लाइट आए तो कैसा लगता है, कभी महसूस किया? एकदम से पलक बंद हो जाती है और कई बार तो आंखों पर हाथ भी रख लेते, सहन नहीं होता है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ आपके साथ में? हुआ ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंधेरे में आंखों की जो नसें होती हैं वो अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती हैं, और जैसे ही उजाला होता है तो नसें फैलती हैं और फैल करके फिर बाहर के उजाले को ग्रहण करती हैं। तो एकदम से जब उजाला आता है तो एकदम से वो झेल नहीं पाती हैं, तो पलकें बंद हो जाती हैं और आंखों पर हाथ रख लेते हैं कि भाई, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हटाओ तो सामान्य हो जाता है। अब आंखों ने जो बाहर का उजाला है उसे ग्रहण कर लिया है, तो नसें फैल गई हैं। अब नसें फैली हैं दिन में तो रात में सामान्य स्थिति भी चाहिए। यदि नसों ने, आंखों की नसों ने दिन में काम किया है तो रात्रि में विश्राम भी चाहिए। यदि विश्राम नहीं मिलेगा, ज्यादा काम करेंगी तो चश्मे चढ़ रहे ना, अरे बोलिए ना, हैं? और आजकल तो दिन का उजाला तो ठीक, दिन भर मोबाइल का उजाला और सारे दिन देखते हैं तो आंखें और जल्दी खराब हो जाती हैं, और आंखें खराब हो गई तो दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। दुनिया में नहीं, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। दुनिया में उजाला हो ना हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा जरूर हो जाएगा। इन आंखों को बचा के रखना, बहुत काम की चीजें हैं, इसके बिना तुम एक कदम नहीं चल सकते हो। जिनकी आंखें नहीं है उनसे पूछो कि अंधेरी दुनिया में वो कैसे जीते हैं। ज्यादा मोबाइल मत चलाया करो, दो दो चार चार घंटे मोबाइल में मत बैठे रहा करो। चलाते तो नहीं, कितनी महिलाएं हैं जो दो चार घंटे मोबाइल चलाती हैं? कोई भी नहीं बचा। ओहो हो हो, तो तैयारी कर लो फिर इनको घर में पकड़ के इनको चलाने वाले की। हाँ, नियम लो, संकल्प लो, दो घंटे से ज्यादा नहीं चलाएंगे। चलो ये नियम ले लो, दो घंटे से ज्यादा, दो घंटा बहुत होता है। दो घंटे माला फेरना और दो घंटे मोबाइल चलाना, ठीक है? दो घंटे माला फेरना कौन कौन फेर सकता है? दो घंटे फेर सकती हो? दो घंटे में आपकी पूजा पाठ माला दर्शन सब आ गया, अकेली माला नहीं आई। मुझे पता है आप नहीं फेर सकती हो। हाँ, मंदिर में लगा, बहुत अच्छी बात। मोबाइल भी दो घंटे से, जितनी देर मंदिर में लगाओ मोबाइल भी उतनी देर चलाना, बस ये नियम ले लो। और मंदिर में जितना मन लगा के तुम्हें धर्म करने का मन होता है और जितना मन लगता है उतने ही मोबाइल भी मन लगा के चलाना, बाकी नहीं चलाना। ये नियम पक्का कि जितनी देर मंदिर में लगेगी उतनी देर मोबाइल चलाएंगे। कौन कौन नियम ले ला, हाथ उठाओ। क्या बात है, मंदिर में कितनी देर लगती है आपको? आपसे पूछ रही हूँ, हाँ पड़ोसी को बता रही, इससे पूछ रही है, मैं उस बच्ची से नहीं पूछ रही, तुमसे पूछ रही हूँ। बच्ची में संस्कार तो तुम भरोगी। एक घंटा? तो एक घंटा से ज़्यादा मत चलाना मोबाइल। अच्छा, ये चलाती नहीं, आता नहीं होगा? हाँ चलो, कोई बात नहीं है, रोग मुक्त है। सच है, पहले के समय में जब रात में अंधेरा हो जाता था तो छोटा सा दीपक जलाते थे, है ना? उस दीपक से आँखों पर जोर नहीं पड़ता था, और जब दीपक भी कितनी देर जलाए, दीपक भी घंटा जला लिया, दो घंटे जला लिया, तीन घंटे बस बहुत हो गया, अब चलो बंद करो सो जाओ सब लोग। 9 बजे तक सब सो जाते थे, 9 बजे तक सारा गांव सो जाता था, सारी दुकानें बंद हो जाती थी और सब आराम से सो जाते थे। और जो 9 बजे सो जाएगा सुबह 4 बजे तो अपने आप नींद खुली जाएगी। अब सुबह 4 बजे भी अंधेरा है, नींद खुल गई है, तो पहले भगवान का नाम लेते थे, सामायिक कर लेते थे, माला फेर लेते थे, फिर उठ करके थोड़ा घूमने चले जाते थे, और जो महिलाएं थी वो चक्की पीसने लगती थी, आटा भी शुद्ध मिलता था। हाथ का आटे का जो स्वास्थ्य पर असर होता वो अलग है, और जो चक्की में पिस के आता है उसका अलग है, दोनों का अलग है, दोनों का प्रभाव स्वास्थ्य पर, दोनों का प्रभाव पड़ता है।
तो महिलाएं अपने चक्की चलाने लगती थी और पुरुष अपने घूमने चले जाते थे, मंदिर चले जाते थे, उठकर सुबह सुबह अभिषेक पूजा आदि करने चले जाते थे, तो सुबह का काम भी बढ़िया हो जाता था। अब हो गया है उजाला, तो रात को 12 बजे तक तो सोते नहीं है, टीवी चलती है, 11 तो ऐसे ही बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि 11 कब बज गए। छोटे छोटे बच्चे भी 11 बजे तक जागते रहते हैं, बच्चों की नींद पूरी नहीं होगी तो उनके शरीर में कमी आ जाएगी, शरीर में कमी आएगी तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो ये रात को जो उजाला है ये सही नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने विकास कर लिया रात में लाइट जला करके, ठीक है, तुमने पुद्गल पर नियंत्रण पाके उससे उजाला ले लिया, मगर स्वास्थ्य खराब कर लिया, मानसिक स्थिति खराब कर ली। अब डॉक्टर की संख्या बढ़ रही है, अब जो देखो वो डॉक्टर बनना चाहता है, क्यों बनना चाहता है, सबसे ज्यादा कौन सा धंधा चलता है, एक मोबाइल का और एक डॉक्टर का, दो धंधा सबसे ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि हर कोई को मोबाइल चाहिए, और मोबाइल होंगी तो बीमारियां होंगी, और बीमारियां होंगी तो डॉक्टर चाहिए। पहले मोबाइल चला के टेंशन लो, फिर टेंशन से डिप्रेशन लो, और डिप्रेशन से फिर डॉक्टर लो, फिर डॉक्टर से दवाइयां लो, तो दवाइयां की फैक्ट्री बढ़ रही है। धर्म नहीं करने का क्या कारण है आज वर्तमान में, ये मोबाइल सबसे बड़ा कारण है, जो रात को भी चलता है और दिन को भी चलता है। देखो प्रकृति ने जो है कुछ जीव जंतु ऐसे बनाए हैं जिन्हें रात में दिखता है दिन में नहीं, जिन्हें रात में दिखता है दिन में नहीं दिखता है। कुछ जीव जंतु ऐसे बनाए हैं जिन्हें रात में भी दिखता है और दिन में भी दिखता है, और कुछ प्राणी ऐसे बनाए हैं जिन्हें केवल दिन में दिखता है रात में नहीं दिखता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसको जैसा बनाया है क्यों बनाया है, कोई कारण होगा। जिसको जैसा बनाया है यदि उसको बनाया है तो कोई कारण होगा। रात में बिल्ली को दिखता है, दिन में भी दिखता है, शेर को रात में भी दिखता है दिन में भी दिखता है, चमगादड़ और उल्लू को, क्या बात है, आप जानते हो। और आप कौन हो? मनुष्य। आपको कब दिखता है? आपको कब दिखता है? दिन में दिखता है, उजाले में दिखता है, आपको अंधेरे में नजर नहीं आता है। आपकी आंखें दिन के हिसाब से बनाई हैं, रात के हिसाब से नहीं बनाई हैं। और यदि रात में भी ज्यादा देखोगे तो ये हमारे मानसिकता पर, हमारे शरीर पर, हमारी हर चीज पर प्रभाव डालेगा, और ज्यादा उजाला अंधा बना देता है। उजाला तो उतना ही है जितना कि हमारी आंखों को लगे कि हाँ बस ठीक है, और लेकिन एक लाइट जलाओ, ट्यूबलाइट भी जलाओ, ये भी जलाओ, कम है उजाला। और जाते ही आजकल के बच्चों की उंगलियां तो चट 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 कमरे में, बाद में पाँव बाद में रखा जाएगा, पहले उंगली पंखे पे जाएगी, एसी पर जाएगी, उस पर जाएगी, लाइट जलाएंगे, इसके बिना तो एक सेकंड नहीं रह सकते हैं, ऐसी आदत पड़ गई है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, हाँ बड़ों की भी हो गई होगी, है ना, सभी की हो गई होगी। तो उसके बिना एक सेकंड नहीं, पंखा भी यदि एक मिनट को चला जाए, एक मिनट को कोई पंखा बंद कर दे, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, हमारा शरीर उस हिसाब से बना हुआ है कि हम प्रकृति के साथ में जी सकें। जो व्यक्ति रात के अंधेरे में रहता था, बिना पंखे के रहता था, जब दीक्षा लेता था तो उसे जंगल में रहने में कोई परेशानी नहीं होती थी। अब आज का व्यक्ति एसी में रहता है, कूलर में रहता है, रात के उजाले में रहता है, अब वो उसे दीक्षा लेनी है तो सोचना पड़ता है बिना पंखे के कैसे रहेंगे, चलो पंखा मिल रहा हो तो दीक्षा ले लेते हैं। साधना के लिए साधन नहीं, साधनों का अभाव चाहिए, साधना बिना साधनों के की जाती है। अब शरीर में शक्ति इतनी कम हो गई है कि यदि उसके बिना रहो तो बीमारी, उसको चलाओ तो धर्म जाता है। अब दोनों में से एक करना पड़ेगा, क्या करें? वर्तमान समय शरीर की बहुत ज्यादा क्षमता कम होती जा रही है,
तो रात्रि में यदि उल्लू को दिखता है, दिन में नहीं दिखता है, तो उल्लू उस तरह का प्राणी है। लेकिन हम किस तरह के प्राणी हैं? हमें रात में नहीं देखना है, हमें केवल दिन में देखना है। और रात में देखेंगे तो क्या होगा, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? अरे बोलिए ना, हमारे ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए रात्रि में 9:30 के बाद में नहीं जागना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना चाहते हो, अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहते हो, अपने दिमाग में डिप्रेशन नहीं देना चाहते हो, अपने दिमाग में डिप्रेशन की बीमारी नहीं लाना चाहते हो, तो रात को 9:30 के बाद बिल्कुल सो जाना चाहिए। और जो सोता है, जो इस नियम का पालन करता है, उसका जीवन 80% स्वस्थ रहता है। अब कर्म के उदय में जो बीमारियां आ रही हैं, उसे आप रोक नहीं सकते। जो कर्म के उदय में बीमारियां हैं, वो जंगल में भी होंगी। वादिराज मुनिराज को कोढ़ हुआ था कि नहीं हुआ था? हैं? समंत भद्र स्वामी को भसम व्याधि की बीमारी हो गई थी। तो जो कर्म के उदय में बीमारियां आई हैं, चलो वो तो ठीक है, लेकिन जो तुम खुद बीमारियां खरीदते हो, कम से कम वो मत खरीदो। अब रात में तुम 12 बजे तक टीवी देखोगे तो कहाँ तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा? गैस भी बनेगी। रात को 10 बजे 11 बजे भोजन कर रहे हैं और 12 बजे सो रहे हैं, अब पेट में गैस नहीं बनेगी तो क्या होगा? एक बार मैंने एक व्यक्ति को रात्रि भोजन का त्याग करवाया, और उसने बड़ी मुश्किल से त्याग किया। मैंने कहा तुम 8-10 दिन का त्याग कर दो, ज़्यादा मत करो, आहार ले रही थी मैं। मैंने कही हूँ 8 दिन का त्याग कर दो। आहार हुआ, दूसरे दिन हमारा वहाँ से विहार हो गया, हम दूसरे शहर में चले गए। तो वहाँ पर जब गए तो व्यक्ति 15 दिन बाद आया, बोले आपने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा मैंने क्या बहुत अच्छा कर दिया? बोले आपने जो नियम दिया था ना रात्रि भोजन त्याग का, मुझे तो मज़ा आ गया। मैंने कहा मज़ा कैसे आ गया आपको? बोले आपने तो दिया था 8 दिन के लिए, लेकिन मुझे मेरे स्वास्थ्य में बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने कहा कैसे फ़ायदा हुआ? बोले पहले जब मैं रात को भोजन करता था और सो जाता था तो पेट में बहुत गैस बनती थी, एसिड बनती थी, रात को नींद खुल जाती थी, इतनी एसिड बनती थी, फिर इनो आदि पीता था, फिर कहीं मुश्किल से दोबारा सोता था। लेकिन जब से आपने शाम के भोजन का नियम दिया है, रात को एसिड बननी बंद हो गई और सारी रात आराम से सोते हैं, एक बार भी नींद नहीं खुलती है। हैं? तो जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं, भगवान ने नियम बनाए हैं, वो तो हमें पालन करना ही है धर्म की दृष्टि से। लेकिन जो प्रकृति ने हमारे शरीर की दृष्टि से नियम बनाए हैं, वो भी हमें पालन करना है। जब इन नियमों का पालन नहीं होता है तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है, कोई और नहीं भुगतेगा। अब आजकल जहाँ देखो उसको ही गैस की बीमारी, उसको ही सिर दर्द की बीमारी, उसको ही दुनिया भर की बीमारी। हमारे यहाँ की परंपरा खड़े होके भोजन बनाने की नहीं है। ये कहाँ की संस्कृति है? पश्चिम की। पश्चिम यानी जहाँ सूरज डूबता है। खड़े होके भोजन बनाना, खड़े होकर के कपड़े धोना, खड़े होकर के झाड़ू लगाना, ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो सब काम बैठ के होते थे, शांति से। बैठने का मतलब शांति से होते थे, और अशांति का मतलब खड़े खड़े होते थे। और जब से ये खड़े खड़े भोजन बनाने की परंपरा आई है, तब से घुटने और कमर खत्म हो गए लोगों के, महिलाओं के। जिसको देखो उसको ही घुटने की बीमारी। मैंने एक दिन और बताया था कि एक दिन मैं आहार कर रही थी तो महिलाएं वो स्लैब के पास खड़े होकर के कुछ काम कर रही थी। तो जब वो कुछ काम कर रही थी तो उनके पैर दोनों, क्योंकि मैं तो बैठी थी और वो खड़ी थी, तो उनके पैर दिखे मुझे। तो वो ऐसे बिल्कुल स्लैब की जो नीचे की पट्टी होती है उससे पैर टिका के ऐसे खड़ी थी। हैं? ऐसे ही होते ना खड़े? अरे बोलिए ना, आपने अपने आप को ध्यान दिया कि नहीं दिया? हैं? ऐसे खड़े होते, उसमें ऐसे खड़े नहीं होते हैं, ऐसे पैर फैला करके और फिर उस पर टिका देते हैं। अब 2-2 घंटे यदि पैर असामान्य अवस्था में रहेंगे तो कमर और घुटनों की नसें भी उसी हिसाब की हो जाएंगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन साल 2 साल 5 साल 10 साल कब तक सहन करेंगी? और उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा और दर्द शुरू हो जाएगा। और जब बैठ के काम करते हैं,
तो जो शरीर में ये जो ऐसे करते ना, हाथ ऐसे किया, तो हर जगह जोड़ है। क्या है? जोड़ है। यदि जोड़ों को मोड़ेंगे नहीं तो उनमें जो है जाम लग जाएगा, ये आप भी जानते हो ना। यदि जोड़ों को बार बार मोड़ेंगे नहीं, हाथ की उंगली है बार बार काम करती है, सही रहती है ना। ये हाथ बार बार काम करता है, सही रहता है। अब घुटने तुमने चार चार घंटे दो दो घंटे खड़े रखे तो घुटनों में जाम लग गया। और जब बैठ के काम करते हैं, बैठ के रोटी बनाते हैं, फिर उठेंगे, फिर ये सामान उठाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर उठेंगे, फिर वो सामान उठाएंगे, फिर बैठेंगे, घुटनों में मूवमेंट रहेगा, घुटने चलते रहेंगे। और जब घुटने चलते रहेंगे तो बीमारी भी, अरे बोलिए ना, कम होगी। हम कह रहे हैं किसी को तो शायद ना भी हो, और जिसको बाई चांस इसकी वजह से हो रही, खड़े होके खाना बनाने की वजह से, उसको नहीं होगी। जब पहले कपड़े भी धोते थे तो बैठ के धोते थे, घुटने मुड़ जाते थे। और मुड़े हुए घुटने, मूवमेंट वाले घुटने, जैसे गाड़ी है, गाड़ी चलती रहे तो सही रहती है। अब घुटनों में तुमने जाम लगा दिया, अब खाओ दवाई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भले आप अपने गैस उतार कर रोटी नीचे बना लेना, मगर नीचे जरूर खाना बनाया करो बैठ के। शांति से भी बनता है और मन भी शांत रहता है। तो बंधुओं, रात और दिन बात चल रही है, रात और दिन की, कि रात बनी है विश्राम के लिए और दिन बना है पुरुषार्थ के लिए। दिन में काम करो और रात्रि में विश्राम करो। जो इस नियम का पालन करता है वो सही रहता है, और जो नहीं करता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी इसका फल तो शरीर को नहीं भुगतना पड़ता। भूल जाओ कि शरीर को भुगतना पड़ता। शरीर तो अजीव है, शरीर तो पुद्गल है, उसका फल हमारी आत्मा को भुगतना पड़ता है। चाहे रात को खाने का हो, चाहे देर से सोने का हो, चाहे खड़े होके भोजन बनाने का हो, चाहे तुम्हारे रात्रि को टीवी देखने का हो, इन सब का फल निश्चित भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसीलिए यदि हम बीमारी कम चाहते हैं तो प्रकृति के नियमों का पालन करें। किसका पालन करें? दिन जिस लिए दिया है वो दिन में करें, और रात जिस लिए दी है रात में करें। यानी रात्रि को जो आपने दिन में पढ़ा है उसे आपस में चर्चा करें, आपने जो स्वाध्याय किया है उसकी चर्चा करें, रात्रि को भजन पढ़ें, रात्रि को आप ध्यान करें, रात्रि को आप और जो काम है जिनमें आंखों की जरूरत नहीं होती आप वो काम कर लें, लेकिन जिनमें आंखों की जरूरत होती है वो काम रात्रि में ना करें। जैसे गाय होती है, दिन में तो खाती है और रात के बैठ के जुगाली करती है, मुंह चलाती रहती, जुगाली करती है। ऐसे ही दिन में तो आप अपना काम करो, स्वाध्याय करो, भक्ति करो, और रात में उस पर चिंतन मनन और ध्यान करो, तो मन भी स्वस्थ रहेगा और तन भी स्वस्थ रहेगा, और धर्म भी अच्छे से हो जाएगा। वरना ना तो गृहस्थी पूरी होती है ना धर्म पूरा होता है, कहीं के नहीं रहते, बीच में ही लटक जाते हैं, और बस अपने शरीर को ही काम करने में लगाते रहते हैं। अब कोई और काम नहीं बचा घर का तो अपने शरीर का ही काम करते रहते हैं। पहले महिलाएं चक्की पीसती थी तो कमर में पूरी ताकत लगती, पूरा जोर लगता था चक्की चलाने में, शरीर की एक एक नस की पूरी एक्सरसाइज हो जाती थी। अब चक्की तो पीसती नहीं है तो अपनी पीठ में दवाई लगाती रहती है, कमर में दवाई लगाती रहती है, एक्सरसाइज करती रहती है ना। शरीर मेहनत के लिए बना है, इससे मेहनत करो, इसे बचा के मत रखो। बोलिए 2400 भगवान की।